नमस्कार, न्यूज के मेन केस में एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इंडिया आए और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने उन्हें आगे का रास्ता दिखाया कुछ इस तरह से, जिसके बाद बिलावल भुट्टो ने कहा, गजब बेइज्जती है। जयशंकर ने कहा कि विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म कैन नॉट सिट टुगेदर विद परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म टू डिस्कस टेररिज्म। पिछले हफ्ते जारी रहा कर्नाटक में नाटक और सामने आई ये तस्वीर। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक रोड शो की तस्वीर है। उसके बाद दूसरी तस्वीर आई ये, जहां राहुल गांधी एक बस में लेडीज सीट पे बैठे हुए नजर आए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी लेडीज सीट पे क्यों बैठे हुए हैं। भाई ऐसा अक्सर होता है, अगर लेडीज सीट खाली है तो लोग वहां बैठ ही जाते हैं, और उसके बाद अगर लेडीज आती है तो एज अ कर्सी उठ जाते हैं। मतलब आपको मत सिखा, चल। और सामने आया एग्जिट पोल का रिजल्ट, जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार इस बार एग्जिट हो रही है कर्नाटका से। अच्छा, हमको सिखा दिया है। लोगों का कहना है कि इस बार लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के मुद्दे पे वोट किया। असंभव, असंभव, असंभव। लेकिन मीम की दुनिया में फिर से हलचल मच गई। सामने आया ये मीम जिसमें अमित शाह कह रहे हैं, हम जहाँ जीतते हैं वह सरकार बनाते हैं, जहाँ नहीं जीतते हैं वह डेफिनेटली सरकार बनाते हैं। देखना है कि क्या रिजल्ट के बाद पॉलिटिशियन विल रिसोर्ट टू द रिसोर्ट पॉलिटिक्स, और आसाम में इस वक्त रिसोर्ट में बुकिंग जारी है। चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। पिछले हफ्ते बड़ी न्यूज आई पाकिस्तान से, जहां पे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया, और उनके अरेस्ट से पहले सामने आया ये वीडियो। तो आवाम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के हालात बहुत गंभीर है, मगर हमें घबराना नहीं है, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना है। अच्छा, देखिए देखिए, इस वक्त नाज़रीन, इस वक्त मुझे बड़ी 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 घबराहट हो रही है, मुझे पता नहीं ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के 21वें प्रधानमंत्री थे, और गौर करने वाली बात यह है कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया। शाबाश। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री होना ये नोकिया के स्नेक गेम की तरह है, जहाँ पे गेम कंप्लीट ही नहीं हो पाता। दूसरी न्यूज आ रही है केरला से, जहां पे एक महिला को ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक पिक्चर भेजा है, जहां उनके पति बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पीछे बैठी महिला वो नहीं कोई और है, बड़ा हरामी हो, और वो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप बिना हेलमेट के गाड़ी कभी ना चलाएं, और अगर गाड़ी आपकी वाइफ की है तो बिल्कुल ना चलाएं, और अगर गाड़ी आपकी वाइफ की है तो पीछे किसी और लड़की को ना बैठाएं बिना हेलमेट पहने। ओके। पिछले हफ्ते आई केरला स्टोरी, जिसके लिए काफी बवाल मचा, कुछ लोगों ने इसे बहुत सराहा, तो वहीं कुछ स्टेट में इसे बैन करने की मांग आई। मामला पहुंचा कोर्ट में, क्योंकि उस फिल्म में एक संख्या बताई गई थी कि केरल में 35,000 लड़की ISIS ज्वाइन कर चुकी है। जब कोर्ट ने पूछा कि ये जानकारी, ये फिगर उन्हें कहां से मिली, तो उनका कहना था, रिपोर्ट आ रही है कि तमिलनाडु के साथ साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म पे बैन लगाने का आदेश दिया है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे सपोर्ट की स्पेलिंग SPORT है। That's why I support primary education. आपको हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में हैं? डिस्प्रेशन में सर। और यहाँ पे ये बैन साबित हुआ, फॉरबिडन एप्पल वाला मामला साबित हुआ, क्योंकि आप जिस चीज को जितना बैन करना चाहोगे लोगों में उसे देखने की उतनी ही उत्सुकता होती है, और जिसके कारण इस फिल्म की कलेक्शंस के फिगर्स काफी अच्छे आ रहे हैं।
फैसला ही फैसला होगा। बिग न्यूज कमिंग फॉर शाहरुख खान फैन एंड पठान लवर्स। पठान इज गोइंग टू रिलीज इन बांग्लादेश। 1971 के बाद यानी कि बांग्लादेश बनने के बाद पहली बार बॉलीवुड की फिल्म ऑफिशियली रिलीज हो रही है बांग्लादेश में। तो फिल्म बांग्ला में डब होगी तो शाहरुख खान भी बांग्ला में बात करेंगे। जो फिल्म का फेमस डायलॉग है जिसमें शाहरुख खान कहते हैं कि पार्टी पठान के घर में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और साथ में पटाखे भी लाएगा। ये डायलॉग बांग्ला में कुछ इस तरह डब होगा। ये पठान हमारी तरह के अतिथि अपायन जन्मो पठान ध्वज में संगे बाजी पटखवानी। तो ये था इस हफ्ते का न्यूज का मेन। देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, लेकिन जाने से पहले ये मैसेज जरूर देखिए। लाइक टीवी पर न्यूज का मेम को जरूर देखें और लाइक टीवी को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। समझे।